बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज बनाते हैं जीरा वाले आलू की रेसिपी। चलिए जिसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आलू कट कर लिया है, बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिए थे 3 चम्मच के करीब ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी साबुत जीरा 1 टीस्पून पूरा भर के। और मैंने 2 बड़ी साइज़ के आलू लिए थे, उनको चिप्स कट में कट कर लिया था और उसको अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश करके एक छन्नी में रख दिया था। अब आलूओं को मैं ऑयल में डाल दूंगी और ऑयल में उसकी अच्छे से भुनाई कर लूंगी मैं। और मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसलिए मेरे आवाज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर एडिटिंग करना तो ज़रूरी है ना। तो आपको कोई भी डिस्टर्ब आए ना तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ आपसे एडिटिंग में। और यहाँ पे आलूओं को मैंने ढक के ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले भी डाल दूँगी, तो मसाले इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये सिंपल सी रेसिपी है और खाने में इतनी मज़े की लगती है ना, आप लोग को ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। तो यहाँ पर मसालों में मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, और आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, और तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और धनिया पाउडर इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब डालूंगी। इसके बाद सॉल्ट डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, और मसालों को मैं आलू के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि मसाले आलू में अच्छे से लग जाए और अच्छे से पक जाए। तो मैं 1 से 2 मिनट के लिए मसालों की अच्छे से भुनाई करूंगी। और आलू बिल्कुल कच्चे हैं, आलू गले ही नहीं हैं, सिर्फ मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई किए थे। और ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है ना, मेरी बेटियाँ तो अक्सर लंच बॉक्स में स्कूल में ले जाती है, तो मैं उनको रोटी के साथ चावल के साथ अक्सर देती हूँ, उनको बहुत मज़ा आता है इसे खाने में, बहुत शौक़ से खाती है। और क्या है ना कि मसाले वाला खाना, शादियों वाला खाना खा खा के थक जाते हैं ना, तो ऐसी सिंपल सी रेसिपी बहुत याद आती है। इसके बाद मैंने आलूओं को गलाने के लिए इसमें 1/2 ग्लास से भी कम पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, 1/2 ग्लास से भी कम। और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 हरी मिर्च को कट करके। मैं आलू में अक्सर 1 हरी मिर्च डालती हूँ, उसकी खुशबू और उसका जायका बहुत बेहतर आता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आती है ना हरी मिर्च की। और इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसका पानी सोख जाए और आलू गल जाए। और आलू गल गए थे माशाल्लाह से, और पानी भी सोख गया था आप देख सकते हो, और ऊपर से कुछ मैंने धनिए के पत्ते चॉप करके डाले थे, और माशाल्लाह से ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई थी। और आपको आज की मेरी ये ज़ीरा आलू की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना आपको तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी, दुआओं में याद रखना, और मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। चलती हूँ जी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।